मोनोपोली अभी, लेकिन इतिहास है इसलिए पढ़ाया जाता है, लेकिन हमें मोनोपोली की ओर नहीं जाना है, सेंट्रलाइजेशन की ओर नहीं जाना है। गांधी जी ने जो कहा है डिसेंट्रलाइजेशन की ओर, हम हमारे ग्राम सभा को कैसे सक्षम बना सकते हैं, इसके ओर हमको जाना चाहिए, ऐसे मुझे लगा। ये मेरा ओपिनियन है, गलत भी हो सकता है, लेकिन आप सब लोग यहाँ इस विषय के तज्ञ है, इसलिए मेरा कहना केवल इतना है कि वैज्ञानिक अप्रोच, जिसे साइंटिफिक अप्रोच जो है, वो साइंटिफिक अप्रोच हम किस तरह से यहाँ ला सकते हैं, ये हमको समझने की जरूरत है। तो हम हेल्प किसको कर रहे हैं? हम किसानों को हेल्प कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके माध्यम से। तो हमको पहले ये समझना होगा कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन में क्या होता है, उसका विज्ञान हमें जानना होगा, क्योंकि हम तो सुझाव दे देते हैं, लेकिन पॉलिसी फॉर्मुलेशन में आर्टिकुलेट करना पड़ता है और बाकी सारी चीजें भी उसमें देखनी पड़ती है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच देखना पड़ता है। इसीलिए हमको पॉलिसी फॉर्मुलेशन में कौन से एक्टर्स है, उसकी प्रोसेसेस क्या है, वो एक्टर्स क्या करते हैं, वो वेस्टेड इंटरेस्ट लाते हैं क्या, किस तरह से लाते हैं, एडवाइजर्स कौन से वेस्टेड इंटरेस्ट लाते हैं, ये हमको जानना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में जो हमारे लॉबिस्ट है, इंटरेस्ट ग्रुप्स है, उनके भी वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है, उसको जान के हमको एक प्रेशर ग्रुप जो तैयार करना है, और प्रेशर ग्रुप के माध्यम से जो हो रहा है हमारे देश में, लेकिन और भी प्रोफेशनली व्यावसायिक दृष्टि से हम ये प्रोफेशनल ग्रुप को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, ताकि गवर्नमेंट को हम बाध्य कर सके कि हमारा जो आखिरी वाला किसान है, वो किसान को कोई भी सुविधा में कमतरता ना हो, और उसको हमको वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसमें निर्माण करने के लिए हमें सक्षम किस तरह से बना सकते हैं, इस दृष्टि से हमें फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसी के लिए ये जो प्लेटफॉर्म निर्माण किया गया है जीएच रायसोनी यूनिवर्सिटी और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और जलपत राव जी के जो रिसर्च संस्था है उसके माध्यम से, उसका पूरा पूरा उपयोग हमें करना चाहिए, अन्यथा ये एक दो दिन का पिकनिक हो जाएगा और ये दो दिन के पिकनिक में कुछ नहीं होगा। ये मैं एक स्पॉन्सर के नाते आपको कहना चाहता हूँ। So, you will have to create a serious kind of document by identifying the gaps in the present policy and giving them a solution, but don't give a rigid solution. आपने अगर rigid बना दिया तो कुछ नहीं होगा। हमको ये flexible policy कैसे हुई, क्योंकि बदलाव हो रहा है भाई, climate change हो रहा है, सारी चीजें हो रही है। अब ये सारा बदलाव हो रहा है तो हमको भी उसमें हमको देखना पड़ेगा और उस तरह से हमको चीज करनी पड़ेगी। What should be the strategy? What is the present strategy which government is applying? What should be our strategy? What should be the programs? कौन से प्रोग्राम आज चल रहे हैं, उसको बदलाव कैसे हम ला सकते हैं, और वो इम्प्लीमेंटेशन जहां हम हमारा देश फेल हो गए, ये यानी बहुत हद तक, तो ये इम्प्लीमेंटेशन हम किस तरह से करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन के बाद में हमको जो फीडबैक चाहिए, वो फीडबैक और उसका इवैल्यूएशन किस तरह से करें, और उसके बाद में फिर हम जो करेक्शंस करने हैं हमारे पॉलिसी में वो कैसे करें, ये पूरी साइकिल जो हम मैनेजमेंट एजुकेशन पे कहते हैं, वो साइकिल हमें बनानी होगी और वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। ये नहीं कि कभी तो भी हमको कब पैसा लगा और हम दे रहे हैं, लेकिन इट हैज टू बी ए सस्टेनेबल मूवमेंट। एंड दिस कंसल्टेटिव कन्वेंशन, ये कंसल्टेटिव इसलिए शब्द किया है, यानी ये मैंने ही उसको बदलाया है। पहले तो इसका जो सुझाव हमारे पास आया था नेशनल कन्वेंशन लेने के लिए, लेकिन नेशनल कन्वेंशन यानी लोग आते हैं, बात करते हैं, चले जाते हैं, भूल जाते हैं। हम ये चाहते थे कि इसका कंसल्टेशन हो, जो इस क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, और ओपनली हो, ये हमारी एक शर्त थी कि भाई हम किसी को भी कुछ भी बोलने से ना रोके, आप बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन ओपननेस जब तक नहीं आएगा तब तक कोई भी देश आगे नहीं जाएगा। रिजिडनेस की जगह हमको फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी तो ही हम बदलाव कर सकते हैं, अन्यथा हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। यही मुझे कहना है। पॉलिसीज में कुछ अच्छी चीजें होती है, कुछ चीजें
काल जैसे जैसे आगे जाता है उसमें बदलाव करने की जरूरत होती है, क्योंकि मैं अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर वाक्य मुझे जो अच्छा लगता है वो ये है कि चेंज इज मैंडेटरी, चेंज होते ही रहेगा, सर्वाइवल इज ऑप्शनल। अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको पॉलिसी में चेंज करते ही रहना पड़ेगा ताकि हम आखिरी किसान तक पहुंचे, क्योंकि किसान जिंदा रहेगा तो मैं स्वार्थी हूँ, मैं भी जिंदा रहूंगा क्योंकि मुझे आनंद लगता है। अगर आपने मैं कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए भी खड़ा हूँ किसानों के प्रति कि भाई आप है इसलिए मेरा जीवन भी चल रहा है, लेकिन कल मेरा जीवन अच्छा था, आज थोड़ा थोड़ा पोल्यूशन के वजह से मुझे अच्छा अन्न नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ आपसे अपील करना चाहता हूँ कि मुझे अच्छा अन्न मिले, और मुझे बहुत खुशी हुई। और ये मैं समझता हूँ कि पांच चीजों में हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए पॉलिसी में जो कर रहे हैं। वन इज एक्सेस, पहुंच, हम आखिरी किसान तक कैसे पहुंच रहे हैं, हम किसान को कौन सी बीज दे रहे हैं, उसकी गुणवत्ता कैसी, वो सस्टेनेबल है या नहीं है, या आई और कल भूल गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे को ये बीज की भी सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचना होगा, उसकी क्वालिटी के बारे में सोचना होगा, वो गुणवत्ता हम एक्सेस जिसको हम बोलते हैं हम पहुंचा सकते हैं या नहीं। दूसरी चीजें जो हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करते हैं वो है अफोर्डेबिलिटी, भाई किसान को उसको जितने भी पैसे में अफोर्ड कर सकता है उतने पैसे में हम बीज दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, उसके तक पहुंच सकते हैं या नहीं, नहीं तो अगर आप उस तक नहीं पहुंच पाओगे तो एक्सप्लॉइटेशन होगा, गवर्नमेंट को भी बदलना होगा, प्रोफेशनल वे में लाना होगा, भाई ब्रांड एम्बेसडर यूज कर रहे हैं। मैं लंदन में था 2 महीने पहले, वहां मुझे कुछ बिजनेस वाले लोगों से मेरी मीटिंग थी, एक कंसल्टेटिव मीटिंग में, तो उन्होंने बताया इंडिया में ये जो ब्रांड एम्बेसडर यूज करते हैं, सचिन तेंदुलकर कार बेचता है उसको कुछ नहीं आता है कार का, लेकिन वो बेच रहा है इसलिए बहुत सारे लोग खरीदते हैं। अमिताभ बच्चन और कुछ बेच रहा है लेकिन वो अमिताभ बच्चन हो रहा है तो 100 करोड़ का बिजनेस बढ़ रहा है। जैसे कल कोई गवर्नमेंट के कमिश्नर आए थे, उन्होंने कहा कि हम 750 करोड़ रुपए तक पहुंचे, लेकिन वो ब्रांड एम्बेसडर यूज करेंगे तो 7,500 करोड़ तक पहुंचेंगे। ये मैं आपको मैनेजमेंट का और स्टैटिस्टिक्स का विद्यार्थी होने के लिए मैं कहता हूँ, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी गवर्नमेंट को भी लानी पड़ेगी, नहीं तो वही रिजिड वे में ये तो क्या बोलेगा वो क्या बोलेगा, इससे कुछ नहीं होगा। वही टेंडरिंग जो है, कल कोई बोल रहा था कि मिनिमम में खरीदना पड़ता है, मैंने मेरे विश्वविद्यालय में ऑर्डिनेंस ही बदल दिया है, कोई मिनिमम नहीं, क्वालिटी टेक्निकल है तो आप लो नहीं तो मत लो, तो उससे मैं कुछ ऐसी इमारतें खड़ी कर सका जो एशिया में उसको प्राइसेस में 2 विश्वविद्यालय में मैंने खड़ी किया। दूसरा है अकाउंट अफोर्डेबिलिटी, तीसरा है क्वालिटी गुणवत्ता, चौथा है रिलीवेंस, आर वी रिलीवेंट टुडे, बदलाव हो रहा है तो हमको रिलीवेंट भी होना पड़ेगा, और पांचवा जो अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसे अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं, जवाबदेही। तो ये पहुंच, सामर्थ्य, गुणवत्ता, प्रासंगिकता और जवाबदेही, ये पांच पंच सूत्रों को आगे रख के अगर आप पॉलिसी में कुछ बदलाव लाने के लिए सुझाव देंगे व्यवस्थित आर्टिकुलेट करके, तो मैं समझता हूँ कि हम कुछ इस कंसल्टेटिव मीटिंग हमारी सफल हुई, ऐसा मैं समझता हूँ, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। और आखिरी में जैसा मैंने कहा कि मैं मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ आया और आप सब से मिला, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे इसके माध्यम से मुझे समझी, इतना डीप में हम पढ़ते थे लेकिन पढ़ने से जो काम कर रहे हैं उनसे सुनने में बहुत ज्यादा आपको ज्ञान मिलता है। इसलिए आखिरी में मैं हिंदी में कुछ चंद पंक्तियां पढ़ता हूँ जो आज ही सुबह मुझे व्हाट्सएप में आई और मुझे लगा ये रिलीवेंट है, मुझे ये कहनी चाहिए, मेरे लिए, आपके लिए है या नहीं है मुझे पता नहीं लेकिन मेरे लिए तो रिलीवेंट है। वो है, जिंदगी से हर पल एक मौज मिली, कभी कभी नहीं हर रोज मिली, एक अच्छा दोस्त मांगा था जिंदगी से, पर मुझे तो यहाँ पूरे विद्वानों की फौज मिली।
तो आप सारे विद्वान यहाँ बैठे हैं, तो मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और एक मैं अपेक्षा आप सबसे ये व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आप ही ये दो दिन के माध्यम से जो भी चर्चा हुई है और भी है, जैसे आप मुझे पूछेंगे कि मैं एज ए स्पॉन्सरर 100% सेटिस्फाइड हूँ क्या, तो उसका उत्तर हाँ नहीं हो सकता है, उसका उत्तर नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजों में हमको गहराइयों में जाके और सोचने की जरूरत है, ताकि वो आर्टिकुलेशन, क्योंकि बहुत सारी जो गैप्स है वो अगर हम प्रोफेशनली नहीं रखेंगे तो उसको ब्रीच करने के लिए हम प्रोफेशनली कैसे सुझाव दे सकते हैं। तो मैं भाई 60% इस माध्यम से खुश हूँ, ऐसा मैं समझता हूँ कि 40% जो भी है वो आप उसमें फुलफिल करेंगे, क्योंकि आप सभी इसी क्षेत्र से जुड़े हैं। ये नहीं कि ये हो गया और बाद में आप नहीं दे सकते, जो भी इसको कोऑर्डिनेट करेंगे आप उनको सुझाव भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं, और बिल्कुल भेजिए, हमें सीसी में रखिए, हमारी ईमेल और ये है आपके पास में, नहीं है तो हमारी मृणाल जो मेरे साथी यहाँ आए हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि मृणाल नाइक ये जो बैठी है ये इसने सारा कोऑर्डिनेट किया हमारी ओर से, और वो हमारे एग्रीकल्चर के डीन है, हमारे स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के डॉक्टर केविन गवली, सो वो आपने ईमेल देंगे तो हमें भी आप ईमेल में रखिए ताकि आपके सुझाव हमें पता चले। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे शांति से सुन लिया, मैं अंग्रेजी में उसे कहता हूँ कि आई मस्ट थैंक ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू मी और हियरिंग टू मी। लिसनिंग में अंतर है, हियरिंग में यहाँ से यहाँ जा सकता है, लेकिन जो भी आपने किया है कम से कम आपके शरीर से तो जा रहा है, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। जैसा कि सर ने सजेस्ट किया है, हमारा ईमेल आईडी तो आपको सबको हमने ईमेल के माध्यम से कॉन्टेक्ट किया था, सबके पास है, तो आप अपने सुझाव, जैसे कुछ लोगों ने कल मुझे बताया कि 3-4 दिन में भेजेंगे, तो बिल्कुल आप लिख के भेजिए और हम उसका पूरी तरह से उसमें समावेश करेंगे। और भारतीय कृषि के बारे में हमने चर्चा की है, लेकिन कृषि क्षेत्र के बारे में एक बहुत मजेदार किस्सा है कि हमारी कृषि चलती कैसे है, उसमें प्रॉब्लम क्या है। दो मित्र बात कर रहे हैं अपने आप में, कृषि संबंधित ही है लेकिन फिर भी बातें उनकी सुनिए, तो हमारी कृषि की नीति क्यों और कहाँ है हम समझ पाएंगे। पहला बोलता है कि कल मेरी शादी होगी, जो जिसको बता रहा है वो बोलता है बहुत बढ़िया है। ये पहला बोलता है नहीं यार, शादी तो होगी लेकिन मेरी जो पत्नी है दिखने में इतनी सुंदर नहीं है, बता रहे थे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। पहला बोलता है नहीं यार, दिखने में अच्छी नहीं लेकिन वो बहुत अमीर है, तुमने तो बहुत बढ़िया है, तुम्हें अमीर भी मिली है। बोले नहीं यार, लेकिन उनके घर में बहुत सारे प्रॉब्लम है, मेरे को झेलने पड़ेंगे क्योंकि वो अकेली है, उसको कोई भाई नहीं है। फिर ये बोलता है ये तो बहुत दुख भरी बात है कि तुम्हारे अभी वो भी तुम्हारी बढ़ गई। फिर बोलता है लेकिन नहीं नहीं, उसके पिताजी को भी है ना ज्यादा बीमारियां है और डॉक्टर को देखे ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, तो बहुत बढ़िया है। बोलते लेकिन अभी एडमिट हुए हैं लेकिन उनका कुछ हो नहीं रहा है, तो बहुत दुख की बात है। बोलते नहीं दुख की बात नहीं, कल घर में आग लग गई। क्यों बोलता है नहीं यार, ये तो बहुत बड़ा दुख हो गया कि तुम्हारे ससुराल में आग लग गई। नहीं नहीं भैया, बहुत बढ़िया हुआ, वाइफ भी अंदर थी। तो ये हमारा हाँ और ना, कभी हम हाँ बोलते हैं दूसरे क्षण हम ना बोलते हैं, तो हमारी पॉलिसी अभी, क्योंकि हमारे जो कृषि की जो गति है और जो हमारा जीवन यापन है वो हाँ ना के चक्कर में थोड़ा सा फंस गया, तो हमें हाँ और हाँ की लाइन एक बनानी है, ना की लाइन एक बनानी और लाना है कहीं ना कहीं सामने। मैं जलपत राव से निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा जो दिन के सत्र पर चर्चा प्रकाश डाले। जलपत राव जी, सबका नमस्कार। थोड़ा माफ चाहता हूँ, सबसे हिंदी में इतना अच्छा नहीं बोल सकता, इसलिए थोड़ा समय थोड़ा कम लेने के लिए मैं इंग्लिश में कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। प्रमोद जी कुछ बोलेंगे बाद में हिंदी में भी, आशुतोष भी कुछ कल से क्या क्या हुआ इम्पोर्टेंट पॉइंट सब हिंदी में बताएंगे। Just before the chief guest, the director general of ACR, to say frankly, he is almost the head of entire Indian agriculture on job of the government. And
am thankful for the Vice Chancellor of Raisoni Agriculture University, not just for the sanctioning, sponsoring, but also staying for all the time from the beginning to the end and giving his valuable. It is very few, very rarely we'll see that the Vice Chancellors generally they attend for some time and they leave. Happy that because of your presence, I think we are delighted to do something for carry on something forward this issue, not only just to stay today at this meeting. And I'm happy that the Bhartiya sons and one of the general secretaries, and we have a lot of distinguished personalities working in agriculture in different parts. Kisan bhaiyo, aaj shamil hue, magar jo discussion mein subah jo discussion chal raha tha, baad mein baat zyada se zyada aap samajh bhi honge. Aur beej ke bare mein sabse zyada jante hai kisan. To fir bhi kya kya charcha hua, isme aap jante honge, aur DG sahab to bahut kuch bol sakte hain. I'd like to just put before the Director General important 2-3 points that discussion not only here, most of the farmers meeting elsewhere in different parts of India, the Bhartiya Kisan Sangh or Agro-Economic Center interacted with the farmers, and most of the cases, important issues the farmers expressed or even the expressed on intelligence intellections on the seed sector. Then we have, you know that we have seed once mostly available with the farmer in the vicinity of the farmer in those household in the village itself. Because of the cost of green revolution or improvement in agriculture production, hybrids, high yielding varieties, hybrids, they have come. They have contributed for the development of production and some definitely the income of the farmer. But this made farmers to depend on the seed from the external sources. This external source was in the beginning, it was from the public sector, government. When the business was seen in it, the public sector, the private sector has come in, and the private sector slowly started dominating the seed sector. At the same time, the public institutions slowly, I said a little bit backward in the back step in total process of making research, extension, and also the seed development. Therefore, I request the Director General, the group and the farmers, the linkage between the three organizations, research institutions, seed corporations, and also the extension. The linkage is missing. We have linkage. And feel probably there is not much coordination going on in between. One example, I say that as a scientist I worked in, I say that as a scientist I feel that this is my hybrid or variety, very good potential. Seed corporation says that, no, I won't multiply it unless the extension gives me indent. And the extension, to say frankly, is not serious as it was in olden days. They do not get maximum opinion of the farmers. They do not act in line. And yesterday itself we have seen with the National Seed Corporation discussion that most of the times the indent is not coming in time. Therefore, seed production has to be in a regularized way. Therefore, indenting opinion of the farmers, first for extension has to get it. Why they are wanting, which variety they are wanting, what type of variety is available. Then they have to pass on to the corporation. And the corporation has to indent for the breeder seed or some kind of seed with the universities, and they have to produce a season before. Therefore, entire seed, we know that it's a chain of reactions, a chain of actions well before 2 to 3 years. Yesterday, that even seed plan must be rolled for 3 years. It is on paper. This is what is happening, sir. The extension says that your variety, government variety, farmers are not accepting without going into the reality of demonstrating and experiment. So seed corporation says that even if they purchase been produced a university seed, probably I may not able to sell it, therefore I have to convert it to non-seed. So therefore the government sector, whatever the best varieties, best seed available in the government research institutions, is not reaching the farmers because the extension is the weak link here. So the seed production may take up the issue, and because it's a little bit business planning is going on.
therefore this is one of the major issues in Swarajya. Therefore the private sector is becoming has become most dominant, and the public sector, private sector, sir, there is a serious form of debate here itself and outside, whether it's a hybrid or a variety. No one disputes that hybrids are essential, where the hybrid vigor has to be exploited, heterosis, no doubt to detect. It must be most of the scientists agree, and most of the farmers also agree that wherever in some crops the hybrids are given excellent yields, therefore they have contributed for the development of agriculture. But at the same time, there was opinion that there are some varieties in different parts of the country. They may not produce very good high yields, but they are in nutritive value or resistance point of view, and also resistant, tolerant to different climatic conditions. So those varieties do have a promise and a role to play in agriculture. They must be preserved and produce seed and identify locations or regions must be identified those varieties, so that we will have a comparative. And another point in this is the particularly in cotton, maize, to say frankly, and most of the variety even crops, the hybrids developed by the institutions, particularly public institutions, not reaching the farmers because it is not produced in sufficient quantity. But as I said, most of the seed for the private companies is produced by the farmers only. And the farmers are producing seed and handing over to the public sector. Why not the same farmers produce the best hybrids seed of the public sector and give to the agencies? That means the farmer is able to produce, farmer is able want to use it, but the public institutions are not making use of it and giving a total credit or total chance, means total responsibility or total chance to the public and private sector to use properly or misuse properly, exploit policy, that is what is going on in sometimes policy seed, quality, low quality seed, high price, and so many issues. Therefore, the public institutions must be strengthened, and public institutions' research outcome must reach the farmer, so that there will be, should be a balance between the private and public institutions, so that rate, quality, everybody has to struggle to give the best to the farmers. So that is what. And another important example, say that in cotton, probably I say that in cotton, hybrids, unless they express their vigor, exploit their vigor, give a hybrid yield, there is no role to play in certain of the areas where there is no chance for hybrid vigor. Suppose in cotton, 50% of the area in India, low rainfall, light soils, there is no scope for hybrids in those areas. But still, all the seed that is being sold by the private companies in the name of hybrid at a high rate. Because there is no variety available in the research center, but no production and not available. So therefore, unnecessary farmers are forced to depend on private sector for hybrids, whether it is essential for that particular area or not. Therefore, this has to be taken responsibility of the institutions to see that some of the varieties are developed properly, the package is developed and the seed is made available to the farmers. And another important point that what we discussed, that there are two issues in this probably, the two regulation, so small players are coming, low quality seed, unnecessary complaints, a lot of court issues and unnecessarily a lot of issues in the field level because of certain companies which do not have much R&D. But still they are playing a role in seed supply and sometimes low quality definitely. This is becoming a problem, and price also is becoming a problem. So therefore the private sector's seed supply system, their production, the research, everything need to be taken care by the seed bill. I think the BC knows better than most of us what is the provision of the seed act and seed bill. Every farmer is now looking for some regulatory act and best process in policy matters on seed through probably seed bill that is now pending in the parliament, maybe give a solution to the most of the problems and some satisfactory results in the same sector. Therefore, we are looking for a seed bill with a reasonable in favor of the farmers, to say frankly, in favor of the farmers. Definitely, if it is a little bit against the private companies in terms of price fixation or the penalties,
that what is the private sector may not be accepting it, but that is a compulsory from the farmer's point of view. Therefore, we will look looking forward for early resolution solution for this issues through CP. Another important point, the last point that it has already been projected by one of the farmers. The farmers seed cooperatives, the central government has already proposed this farmers producer organizations, but okay, that's okay, but farmers seed cooperatives, it's already available in Maharashtra, in Madhya Pradesh, also in Telangana, where the seed quality is supposed to be the best quality. Therefore, the farmer seed cooperatives, they are existing here and there. Therefore, they need to be supported by the government with infrastructure facility and all other, any other issues related to the solving all this. Farmer seed cooperatives must be developed so that the seed is produced, I think some of the, attaching some of the scientists or extension officer to the cooperative, see that the quality seed is produced and marketed through a government system, and apart from whatever the balance they get it after they using by themselves. So the farmers seed cooperatives, that is one of the important nations of this, and also the farmers looking forward, and I definitely say that it will become a linkage between the government institutions, corporations and the farmers. Therefore the quality seed is ensured, best quality, reasonable price it is available, even in the hybrids also they can be produced by the cooperatives after due training and some facilities given to. So these farmer seed cooperatives, if they strengthened and supported with the necessary infrastructure, technical advice, generally they will give a farmers cooperatives will give a definite solution to the existing some of the problems in the seed sector. These are the few only, I think further discussion and something opinions expressed elsewhere. Therefore, we would like to hear to the Director General, who has attended many meetings as a assembling a breeder, and in administration a lot of issues are still coming. Therefore, we would like to hear from you, sir. This is a view of important views expressed by this and also the outside this meeting and any other meetings. Therefore, we will look forward for the your message, and definitely your message will throw a possible solution that the administration is looking to the seed issues and the thoughts. Thank you. Hello. मैं बद्रीनाथ नारायण जी हमारे किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री उद्बोधन के लिए मंच पर विराजमान श्रीमान त्रिलोचन जी महापात्र महानिदेशक, श्रीमान राजन वेलुकर जी, श्रीमान जगपत राव जी, श्रीमान कमल जी चौधरी, वैज्ञानिक किसान भाइयों बहनों, कल से हम सब और मंथन कर रहे हैं। मैं कोई एक किसान प्रतिनिधि हूँ, किसान के चश्मे से देख सकता हूँ और उसके मन की बात को यहाँ रखने की दृष्टि से खड़ा हूँ। भारतीय किसान संघ इस समय देश में सबसे बड़ा किसानों का प्रतिनिधि संगठन है। सभी प्रांतों में इसकी कार्यकारिणियां हैं, 550 जिले और 3500 तहसीलों में सक्रिय समितियां हैं, 80,000 गांवों में ग्राम समितियां हैं, जिनमें कुछ सक्रिय कुछ निष्क्रिय दोनों तरह की हैं, और 31,00,000 सदस्यों के साथ देश भर में नियमित गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। इसलिए नीचे तक के किसान की सारी जानकारी इकट्ठी होती है, वर्ष भर और कार्यक्रमों का संचालन होता है। जानकारी की दृष्टि से बता सकता हूँ कि हर जिले और हर तहसील में अभी 3,500 से तहसीलों में नहीं तो 2,000 तहसीलों तक हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष में एक बार अवश्य होते हैं,
लेकिन जिला तहसील और प्रांतों के पदाधिकारी वर्ष में एक बार हमेशा मिलते हैं, वर्ष में दो बार जिला तक के मिल लेते हैं और प्रांतों के वर्ष में तीन बार मिल जाते हैं और तीन वर्ष में एक बार बड़ा अधिवेशन होता है जिसमें हम 31 लाख सदस्यों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन किसान होने के नाते सारे इकट्ठे नहीं हो सकते, फिर भी एक बड़ी संख्या में हमें ही कंट्रोल करते हैं क्योंकि हमारे पास कोई सरकारी अनुदान सरकारी सहायता इसका एक नया पैसा भी काम में नहीं लेते केवल किसानों का ये संगठन अपने पाँव पर खड़ा है। आत्मनिर्भर स्थिति में किसानों के ही पैसे काम करता है। जहाँ तक सवाल किसान की मानसिकता का है तो इसमें संकट इस बात का है कि उसका विश्वास डगमगा रहा है और यदि उसका विश्वास खो दिया तो स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। अभी तक किसान अकेला था, चुपचाप था, खेत खेत में बिखरा हुआ था, अलग अलग गांव में बिखरा हुआ था, इकट्ठा नहीं होता था, एक दूसरे के पास उठना बैठना संभव नहीं था। पिछले 40 सालों से संगठन के लिए लगातार प्रयत्नशील लाखों कार्यकर्ताओं ने के परिश्रम से अब वो इकट्ठा होने लगा है, घर के बाहर निकलने लगा है, जेब से खर्च करने लगा है, बाकी राजनीतिक पार्टियां बसें लगाएगी फ्री में और किसान इकट्ठे करेगी जय जयकार लगाएगी, लेकिन भारतीय किसान संघ कहीं एक नए पैसे का खर्चा और किसानों के लिए नहीं करता, अपने जेब से खर्च करके अपना खाना खा करके अपने छुट्टियां खराब करके इकट्ठे होते हैं। ऐसे समर्पित किसानों का और ये एकत्रीकरण ये संगठन है, हम सोच सकते हैं कि वो बार बार इकट्ठे होंगे, चर्चा करेंगे और उनके सामने कोई लूपहोल दिखाई देगी, कोई चीटिंग दिखाई देगी तो उसके बारे में चर्चा कहाँ तक जाएगी। और ये हुआ है, अब किसान बर्दाश्त करने से बाहर है, बार बार सड़क पर आता है और किसान संघ के भी तीन ही काम हैं, संगठन खड़ा करना, संघर्ष के लिए तैयार करना और रचनात्मक काम के अंदर उसका मार्गदर्शन करना, अच्छी खेती करे और अच्छा पर्यावरण हो, अच्छा स्वास्थ्य हो और सबको सस्ती सामग्री खाद्य की वो उपलब्ध करा सके, इन सबके लिए उसकी मानसिकता निर्माण करना, यह रचनात्मक कार्य है। लेकिन अन्याय को बर्दाश्त करना ये स्वीकार नहीं होगा, उसके लिए संघर्ष भी करेंगे और किसान संघ ने किसान हित और राष्ट्र हित को यानी राष्ट्र हित की चौखट में किसान की हित रहे इस मानसिकता के साथ वो किसानों को तैयार करता है। इसलिए किसान और अपना नारा लगाता है राष्ट्र हित और किसान हित एक है, जो हमसे टकराएगा हम में ही मिल जाएगा, यानी हम जो मांग करेंगे वो एकदम नाजायज नहीं होगी, मांग भी जायज, तरीका भी जायज, जगह भी जायज और अगर उसने पूरी सुनी समझी तो निश्चित रूप से हाथ मिलाएगा, सहयोग करने के लिए खड़ा होगा, ये मान्यता रखकर के किसान संघ काम करता है। हाँ, जब तक उसकी बात को सुनते नहीं, समझने की कोशिश नहीं करते, किसी अहंकारवश या अज्ञानवश या दूरी के कारण तब तक चूक होती है, लेकिन जहां जहां उसका काम पड़ता है आए दिन प्रशासनिक अधिकारियों से पड़ता है, जन प्रतिनिधियों से पड़ता है और जब कलेक्टर के सामने बैठ के बात करते हैं तो अगर विषय को समझ लिया तो वो इतने भावुक होते हैं और सहयोगी सिद्ध होते हैं और कुछ कलेक्टर रिटायरमेंट के बाद किसान संघ के साथ मिलकर काम भी करते हैं। इसलिए किसान संघ का अपना एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण है जिसके आधार पर काम करता है, मैं आप सबके सामने उसकी ओर से निवेदन कर इतना ही करना चाहता हूँ कि जितनी भी नीतियां बनती है हम प्रशिक्षण के माध्यम से सीधे किसानों तक पहुंचा सकते हैं उसको, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार हमको किसी प्रकार की सूचना देना आवश्यक नहीं समझती। आज किसान के पास गांव में पहुंचने वाला अंतिम व्यक्ति कोई कंपनी का कर्मचारी है, बीज के नाम पर, दवा के नाम पर, खाद के नाम पर, जहां किसी सरकारी कर्मचारी को होना चाहिए उन्होंने रिक्त स्थान छोड़ा हुआ है, किसके लिए, व्यापारियों के लिए। वो जाएंगे टारगेट लेके,
उनका अपना एक निहित स्वार्थ होता है, लक्ष्य होता है, मोटो होता है, मुनाफा, और उसके आधार पर वो जो गाइड करेंगे जितनी समझ है वो निर्णय लेगा। इसलिए सरकार की ओर से इस रिक्त स्थान को पूरा करने का काम व्यापारी करते हैं और वो अपने हेतु के लिए उसको अपना सहयोगी बना लेते हैं। बंधुओं, उसी का परिणाम है कि आज 50% कार्बन गैस हैं और केवल आप बता रहे थे बीजों के कारण, केमिकल्स के कारण उत्पन्न हो रही है। सारा स्वास्थ्य, सारी बीमारियां डॉक्टर पीजी की भाग रही, बीमारियां आगे की भाग रही, हाथ नहीं आ रही उनके। पर्यावरण का नुकसान पूरी दुनिया चला रही है सब जानने के कारण, लेकिन उधर जाने सोचने का फुर्सत नहीं किसी के पास। मेरा इसी ओर इंगित है, निशाना है, इशारा है कि हम समझने की कोशिश करें। वो सब समझता देख रहा है, वो अकेला था तब तक कुछ नहीं कर पा रहा था, संगठित है वो, और वो सत्ताओं को भी हिला सकता है। लेकिन किसान संघ के उतना ही आह्वान करता जितना कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है, अनुशासन में रख करके ही किसान को काम में लेता है किसान संघ। अनियंत्रित भीड़ इकट्ठी करके और कभी भी किसान संघ किसानों को हाथ इकट्ठा नहीं किया। किसान संघ का कोई भी संघर्ष हिंसक नहीं हुआ आज तक, जैसे लाठी चली हो, पत्थर फेंके हो, घोड़ी चली हो, वो अहिंसक इसीलिए हुआ कि उसका प्रत्येक प्रतिनिधि और वो संस्कारित या अनुशासित है। लेकिन ये गति, ये सीमा, ये उनकी संख्या साल दर साल दुगनी होती जा रही है और ये होगी जब तक ये राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इस जनसंगठन की आने वाले दिनों में शक्ति को हम अनुमान लगा करके और अभी से कदम मिलाने की कोशिश करेंगे, ऐसा मेरा विनम्र सुझाव है। इसको कृपया अन्यथा नहीं ले, अगर किसी को बुरा लगता है तो वो समझ जरूर लें लेकिन उसको और अन्य तरीके से नहीं सोचें। हमने हाइब्रिड गाय लाके देखी थी, वो हाइब्रिड गाय अब वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया उसको, A1 और A2 BCM7 की जनक बीटा केसिन A1 दूध के कारण, और विदेशों में भारतीय नस्ल की गाय की मांग बढ़ी है, दूध की मांग बढ़ी है, B2 की मांग बढ़ी है। तो क्या भविष्य में आने वाला प्रभाव क्या होगा इन बीजों का? बीज तो सभी जगह है, हम विदेशी बकरी भी लाए थे, भेड़ भी लाए थे, अभी 4 दिन पहले अलका नगर भेड़ फार्म पर देखने को मिला, एक भेड़ की ऊन काटने वाला व्यक्ति 50 रुपये मांगता है और ऊन आधा किलो मिलती है और 25 रुपये किलो बिकती है। ऊन 25 रुपये किलो मिल रही है, किसान भाइयों बहुत काम की है ऊन ये, और लेकिन वो 25 रुपये किलो है, सरकारी योजना के अंदर नीतियों के अंदर उनके लिए तो ग्राहक नहीं है। अर्थात ओरिजिनल चीजों के लिए, जो शुद्ध चीजें हैं उनके लिए आज ग्राहक खाद्य पदार्थ पर खड़ा हो गया जैविक के नाम के ऊपर। प्रकृति का ये चक्र इतना शानदार है, हम उसी की शोध करते हैं यहाँ पर, और भूमि तत्व को दोषित दूषित किया, आज वो कठोर हो गया, ह्यूमस नष्ट हो गया, 1% कार्बन उसमें है नहीं, फिर उसका पोषक तत्वों का स्थिरीकरण कहाँ से होगा, pH 8 के पार चला गया, सूक्ष्म पोषक तत्व सारे उसमें है नहीं, क्यों NPK हम डालते हैं और खेती कर रहे हैं, जब तक सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे उत्पादन तो प्रभावित होगा। किसान को वो तैयार है सुनने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए, आज उनको समझाने वाला चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि उसका जो प्रशिक्षण की व्यवस्था है, मैं देखता हूँ एक लिस्ट बनी हुई है हर स्टेट के पास ट्रेनिंग के लिए, उनको बुला लेते हैं, हर ट्रेनिंग उस सांचे में आ जाते हैं, कुछ आते हैं कुछ नहीं आते हैं, भीड़ बन जाते हैं और ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। बाहर खेत पर जाकर ट्रेनिंग देना ये तो किसान संगठन कर रहे हैं, उनको सफलता मिल रही है, इसलिए हम उपलब्ध हैं। अगर किसी भी प्रकार की जानकारी, नीतियों की जानकारी किसान तक पहुंचाएंगे तो कृपया कम से कम भारतीय किसान संघ के कार्यालय तक एक चिट्ठी तो भेज दें। भय दोहन करते हैं, डराते हैं, भूखे मर जाएंगे,
जनसंख्या बढ़ जाएगी। मेरे ख्याल से जिसने चौंच दी है उसने चुगा भी दिया है, ये अनपढ़ व्यक्ति भी कहता है, और ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। आप किसी एक केंद्र पर, एक गांव में, एक एरिया में प्रयोग तो करके देख लो एक बार। तो हाँ, आपका समय हो तो हमने जो प्रयोग किए हैं हम बताने को तैयार है, ऐसे तैयार है, मॉडल खड़े हैं जिनका जाकर कोई वैज्ञानिक जाकर अध्ययन तो करे। मैं आह्वान करता हूँ यदि कोई बंधु ऐसे हो जो कि नए मॉडल के ऊपर और कुछ देखना चाहते हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए स्वागत है उनका। ऐसे प्रश्न तैयार कर चुके हैं सर। देखा जाए तो सारी रिस्क किसान ही उठाता है, न वैज्ञानिक उठाता, न शिक्षक उठाता, न व्यापारी उठाता, न अधिकारी, न सरकारें। लाखों करोड़ों की जमीन होती है, एक ट्यूबवेल 10 लाख का होता है, एक बिजली कनेक्शन देने में प्रश्न आ जाता है, और उसके बाद कोई ट्रैक्टर तो ट्रैक्टर के औजार ट्रैक्टर से ज्यादा महंगे हो जाते हैं। ये तो उसको परमानेंट स्ट्रक्चर रखना पड़ता है, एक छोटे मोटे कारखाने से कम नहीं होता, वो 5-10 लोगों को रोजगार देता है, लेकिन रिस्क सारे उसी की होती है और उसको झेलता है। उसके बाद अगर वो मरने की स्थिति पहुंच जाए तो बंधु मरता क्या नहीं करता, वो कुछ भी कर गुजरता है। आज अगर आत्महत्या कोई कर रहा है तो केवल किसान कर रहा है, और वो भी उन क्षेत्रों में कर रहा है जहां कंपनियों की वर्किंग सर्वाधिक है। अगर कर्जदार कोई है तो किसान है, वरना किसान ने कभी कर्ज माफ करने की बात करी थी क्या? कभी नहीं। वो ये करता था, उपरवाला देखता है, वो कभी कर्ज माफ की बात नहीं करता, लेकिन वो आत्महत्या में से माफी में से एक को चुनना पड़े तो शायद वो इसको चुन रहा है। इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादा समय नहीं लूंगा, कम समय में कम शब्दों में इतना ही कहना चाहूंगा कि किसान को कम नहीं आके, और वो 60% की जनसंख्या, सबका पालन पोषण करने वाला और देश के चक्के चक्के में कोने कोने में फैला हुआ है, वो जिस दिन घर से निकल के अपने हाईवे बैठ जाएगा उसी दिन आपकी धमनियां और चराई से बंद हो जाएगी, उसे कुछ नहीं करना, दिल्ली नहीं आना पड़ेगा। इसलिए मेरे इस विनम्र निवेदन को अन्यथा नहीं लेंगे। मैं चाहूंगा कि ज्यादा समय श्रीमान त्रिलोचन जी महापात्र को मिले, इसलिए अपनी बात को पूरी करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। जब तक दुखी किसान रहेगा, किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। धन्यवाद। आज का आखिरी संबोधन हमारे आदरणीय महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, मैंने पहले ही कहा था कि ये पद ऐसा है कि जो किसान सरकार में रहते भी किसान मानते कि हमारा है, और सर आज हमारे बीच में अनुमोदन करो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में उपस्थित श्री बद्री नारायण चौधरी जी, डॉक्टर राजन दलुरकर जी, जगपत राव जी, प्रमोद जी और यहाँ उपस्थित बहुत सारे ज्ञानी व्यक्तित्व, डॉक्टर राव डॉक्टर शर्मा दोनों कुलपति यहाँ उपस्थित हैं, और हमारे बहुत दिन से जान पहचान कुलकर्णी साहब भी उपस्थित हैं, डॉक्टर व्यास डॉक्टर शास्त्री बहुत सारे, वो ज्यादा नाम लेना नहीं चाहूंगा, और सर्वोपरि हमारे बीच में उपस्थित किसान भाई
विभिन्न प्रांत से आए हुए और विभिन्न विश्वविद्यालय से आए अन्य अधिकारीगण और प्राइवेट कंपनियों का कुछ रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, हमारे रिसर्च संस्थानों से भी कुछ वैज्ञानिक यहाँ आए हुए हैं। मैं अपनी तरफ से आप सबको स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ भारतीय एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर को जो इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। कुलकर्णी साहब एक बार आए थे और इसका फाउंडेशन डाल के गए कि इस तरह के एक कार्यक्रम होना चाहिए बीच के ऊपर। और हमें कल रहना था, दुख की बात यह है कि हम कल रह नहीं पाए क्योंकि एक कुलपति सिलेक्शन का कार्यक्रम माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा वो फिक्स हो गया कर्नाटक में, तो इसलिए मुझे कल जाना पड़ा। लेकिन जो मुझे अभी आप लोगों से सब बताए बहुत सफलतापूर्वक कल चर्चा हुआ है और काफी मुद्दों के ऊपर चर्चा हुआ है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आपके साथ है, जो भी आप चर्चा किए हैं और किसान का समस्या हल करने के बारे में खास करके बीज के खेती, बाकी तो बहुत सारी समस्या है उसका चर्चा कभी बाद में विस्तार से करेंगे तो अच्छा होगा कि किसान का समस्या किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं। पिछले कुछ साल से जिस तरीके से प्रयास जारी है और जिस तरीके के योजनाएं लाए गए जैसे अभी रिस्क मैनेजमेंट की बात हो रहा था और उसके साथ साथ बीज का उपलब्धि कैसे हो, पानी का उपलब्धि, सिंचाई का उपलब्धि कैसे हो और बहुत सारी समस्या है किसान का, बाजार सही मिले, भाव सही मिले, बाजार एमएसपी फिक्स हो जाता है लेकिन जितना एमएसपी के मुताबिक मिलना चाहिए किसान को नहीं मिलता, तो किसान का बहुत समस्या है। ऐसा नहीं है कि एक दुक्का है कि एक दिन बैठ के उसका हम सुलझा देंगे और इसका जो लेयर है समस्या का वो भी अलग अलग लेयर है और अलग अलग प्लेयर है तो उसमें अलग अलग लेयर में अलग अलग प्लेयर है। तो हम आज जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं अगर सारे बातें बात करेंगे वो सारे प्लेयर ही नहीं है, वो सब समझने के लिए समझाने के लिए तो समाधान नहीं निकले। तो और ये कोई भारतीय हम कहीं भी कई बार गए हैं इस तरह के कार्यक्रम में, हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तरफ से काफी प्रयास किया जा रहा ऐसे बात नहीं। और जो स्थिति में बदलाव आज आप देखते हैं वो स्थिति में बदलाव धीरे धीरे हुआ है लेकिन हुआ है और उसमें हमारा योगदान भी रहा है और किसानों भाइयों का योगदान जबरदस्त रहा, अदरवाइज संभव नहीं। हम अगर आज 1.3 बिलियन जनता को खिला रहे हैं तो ये बिना आयात किए हुए और निर्यात कर रहे हैं, खाने का तेल को छोड़ दीजिए बाकी सब, तो ये और कई मायने में तो जितना आवश्यक है उससे ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं। चावल हो, गेहूं हो, जितने आवश्यक है उससे ज्यादा उत्पादन। दुग्ध की अब देख लीजिए कि जितना हमने
रिकमेंडेड है, उसे ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन क्या हमें अच्छे क्वालिटी का दूध पीने के लिए मिलता है? बहुत अलग है। क्यों नहीं मिलता, उसमें क्या समस्याएं हैं, उसका क्या निदान है, क्या करना चाहिए, वो एक अलग से चर्चा करने वाली बात है। और उसी तरह का अभी अगर एक उदाहरण आज के न्यूज़पेपर देखेंगे कि भारत जो है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की बात है, भारत दुनिया में पहला नंबर बन गया चीनी उत्पादन, ब्राजील को क्रश कर गया, और हमारा 35 मिलियन टन से ज्यादा उत्पादन। अब वो कैसे हुआ? सर्टेनली किसान भाइयों का योगदान रहा, इसलिए वो संभव हुआ। और सरकार के पॉलिसी, सरकार के सपोर्ट सिस्टम और टेक्नोलॉजी के बिना ये संभव नहीं होता। एक किस्म CO238 अब एक तहलका मचा रखा, शुगर रिकवरी में कितने चीन मिल, जितने बहुत सारे चीन मिल, चीनी मिलों से मैंने कलेक्ट किया डेटा उत्तर प्रदेश के, और वो डेटा बताता है कि शुगर रिकवरी जो है 12% तक पहुंच गया, 10.5 तो औसत हो गया, 12% तक शुगर रिकवरी पहुंच गया उत्तर प्रदेश में, जहां 8-9% से ज्यादा होता ही नहीं, और ये पैदावार भी ज्यादा है। और इसको लेकर हम अभी जो है 35 मिलियन टन से ज्यादा उत्पाद जो कर रहे हैं, और इसीलिए 10% तक जो पेट्रोल में हम मिलावट कर सकते हैं, मिला सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये जो नीतिगत निर्धारण भारत सरकार ने लिया, इसलिए लिया कि हमारा उत्पादन बढ़ गया और आगे बढ़ेगा, क्योंकि इस तरह के किस्म तो और पीछे नहीं ले जाएंगे देश को, आगे ले जाएंगे। और उसके साथ साथ बाकी आनुषंगिक जो व्यवस्थाएं, सिंचाई का हो, बूंद बूंद सिंचाई हो या दूसरे टेक्नोलॉजी के जो योगदान हो, सबका तो है ही है। तो इसी तरह का सबका मिलजुल कर काम करने से ये संभव हुआ है। अब गेहूं में 29 HD 2967 भूसा के जो गेहूं, 30% किसान के खेत में ये उगाया जा रहा है, और पिछले 4-5 साल के अंदर ही ये अभी ये स्थिति पैदा हुआ कि एक किस्म जो है खास करके किसान के पास पहुंचा, इसलिए तो पैदावार बढ़ा और 100 मिलियन टन के आसपास पहुंच गए। क्यों? 4 साल पहले हम लड़खड़ाते थे कि भाई ये जो है 90-92 के आसपास जो है, हम स्ट्रगल कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि आगे बढ़े, अब 100 मिलियन टन के आसपास पहुंच गए। तो ये सारे जो है खाली वैरायटी के योगदान नहीं है, सारे चीज का योगदान है, पॉलिसी के योगदान है। तो ये कह रहा थोड़ा सा मोटा मोटी बातें कि हमने हम प्रगति किए हैं खेती के बहुत सारे दिशा, अगर आप देखेंगे ये सीरियल हो, पल्स हो, ऑयलसीड हो, गन्ना हो, तो दलहन तिलहन सारे खाद्य उत्पादन हर चीज में हमारे बढ़ोतरी हुआ है। लेकिन किसान का समस्या क्या हम दूर कर पाए हैं? नहीं कर पाए, क्योंकि समस्या जो 30 साल पहले था, अभी समस्या कुछ अलग रूप में है, लेकिन समस्या है। तो ये समस्या आज अगर खाली बीज के बात करें, क्योंकि ये नेशनल कंसल्टेटिव कन्वेंशन बीज के ऊपर है और ये 2 दिवसीय कार्यक्रम उसी के ऊपर है, अगर उसी का चर्चा करें और जो आप कर चुके हैं उसके बारे में मोटा मोटी 2-3 बात मैं करूंगा। जो बातें पहले बताए गए बहुत सही बातें हैं, हमारे प्रमोद जी उसको बहुत बढ़िया से बताए, उसके बाद
हमारे राजन जी भी उसी को और थोड़ा साफ करके बता दिए कि हमें क्या चाहिए, हमें बढ़िया से आर्टिकुलेशन चाहिए ताकि पॉलिसी में कुछ परिवर्तन करा जाए, और राव साहब उसको और चर्चा कर दिए, एक्सपांड कर दिए, एक्सप्लेन कर दिए कि क्या चाहिए। और उसके बाद फिर वीर चौधरी साहब उसका विस्तार से थोड़ा और एक्सपांड कर दिए कि क्या क्या चाहिए, तो ये सारे बता चुके। हमें सीट बिल की आवश्यकता है, उसमें कोई दो मत नहीं है, पुराना हो चुका है, 1966 का सीट एक्ट है और 2004 से बना हुआ बिल अभी तक भी है। हमने कुछ कुछ ऑर्डर निकालते हैं और सीट ऑर्डर निकाल के उसमें परिवर्तन कुछ कुछ करते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे ही 1966 का बिल ऐसे ही रखा हुआ है, उसमें परिवर्तन हुआ। लेकिन जो जो नया बिल हम 2004 से बना के रखे हैं और चर्चा करते आए हैं, ये समय आ चुका है कि उसको जो है एक एक्ट बनाने का, नया एक्ट बनाने का। और मेरे ख्याल में ये जो हमारे चर्चा हुआ दो दिवसीय, ये दो दिवसीय चर्चा का जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसमें जाना चाहिए, बट उसके साथ साथ मैं तो ये समझूंगा कि और एक अगर दो चार लोगों का एक छोटा कमेटी उसको दोबारा देखे और ये सारे जो सुझाव है उसको थोड़ा देख ले, मे बी राजन जी उसको कर सकते हैं या चौधरी साहब, बी एन चौधरी साहब देख सकते हैं, तो करके उसमें जो भी हमारे ये जो 10 12 14 साल हम देख चुके हैं और खास करके किसान भाइयों का जो समस्या है, आप किसान संघ के होने के नाते आप जानते हैं समस्या बहुत अच्छी तरह। हम भी अपने जो भी व्यवस्थाएं हैं, कृषि विज्ञान केंद्र है, अपने किसान के भाई भाइयों के साथ सीधा बात भी हम वार्तालाप करते हैं, अपना भी बहुत सारे चीजें हैं जो हमारे सीड सेक्शन वो भी बता सकते हैं, तो हमारे एडीजी सीड तो आज है नहीं बट वो भी रह सकते हैं। तो एक छोटा 4-5 लोगों का एक कमिटी अगर बना दिया जाए तो उसमें सुझाव और बढ़िया से आ जाएगा, थोड़ा रिफाइन हो जाएगा। और जो आप राजन जी बोल रहे थे आर्टिकुलेशन, वो आर्टिकुलेशन की बात भी ढंग से हो पाएगा, क्योंकि बड़े ग्रुप में ऑब्वियसली सारे व्यूज ज्यादातर रहते हैं और ऑब्वियसली उस तरह के आर्टिकुलेशन नहीं हो पाता है, और वो आर्टिकुलेशन आ रहे हैं। और आर्टिकुलेशन जरूरी है, समस्या सब लोग जानते हैं, किस ढंग से हम पेश करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरीके से हम सारे सांसद को कन्विंस कर पाएंगे कि इसका जो है मोटा मोटी एक्ट भी बन जाए। तो इस तरह का जो पॉलिसी की बात हम कर रहे हैं, सो मैं समझता हूं वो पहला हमारा आवश्यकता होगा, और उसको थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग भी होगी, बढ़िया से उसका डिस्क्रिप्शन भी होगा, समस्या का विवरण दिया जाएगा और उसका निदान क्या उसका होना चाहिए। समस्या सब लोग जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते। किसान एक तो आपने खुद बताया कि ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी हाइब्रिड है, और दो प्लेयर है, ब्रादर प्लेयर तो अनेक हो सकते हैं, मेजर प्लेयर है, प्राइवेट है, पब्लिक है, और दो किस्म के मेजर दो बीज है, हाइब्रिड है या ओपी है, प्योरलाइन है, ओपी है। सो इसमें हम किसका रोल कहां देखते हैं? सर्टनली आज के दिन अगर आप देखेंगे प्राइवेट का रोल जो है ज्यादातर हाइब्रिड में है, और वो आप जानते हैं। ओपी और सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में ज्यादातर रोल पब्लिक सिस्टम का है, जो सिस्टम बना हुआ है उसके तहत ये चल रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूं चल रहा है कि सीड रिप्लेसमेंट रेट में काफी बढ़ोतरी हो, 30% से ज्यादा कई फसलों में हो चुका है, और जो दलहन फसल में कम था कई राज्यों में 10% भी नहीं होता था,
उसमें भी बढ़ोतरी हुआ। तो ये दर्शाता है कि इस सेक्टर में काम तो हो रहा है और किसान के पास बीज पहुंच रहा है, और ये भी हो रहा है क्योंकि हमारे पास जो ब्रीडरशिप का इंडेक्स आता है, हम तो ब्रीडरशिप उत्पादन 1,20,000 क्विंटल से ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, और कई फसलों में इतना ब्रीडरशिप उत्पादन करते हैं जैसे सरसों में, क्योंकि 100% जितना आवश्यकता है किसान का उतना वो उतना बीज जो है सीधा ब्रीडरशिप ही पर्याप्त, बाकी आपका फाउंडेशन और सर्टिफाइड बनाना ही आवश्यकता नहीं, बनाने की आवश्यकता नहीं, इतना इंडेंट आता है और हम उत्पादन कर रहे हैं क्योंकि इंडेंट आ रहा है तो हम कर रहे हैं। ये क्या समस्या है? प्रजनक बीज बनाने में समय लगता है, पैसा ज्यादा खर्चा होता है, लेकिन जो इंडेंट आ रहा है वो उससे ज्यादा है जितना आवश्यकता है, और पूरा जितना आवश्यकता पूरा किसान को है सर्टिफाइड सीड के रूप में उतना जो आवश्यक जो इंडेंट वो ब्रीडर सीड का। तो इसी तरह का कई फसलों में स्थिति है कि जितना आवश्यकता है उससे ज्यादा इंडेंट आ रहा है। इसका मतलब यह है कि जो व्यवस्था काम करना चाहिए कि बिल्डर को फाउंडेशन बनाना है, फाउंडेशन को सर्टिफाइड बनाना है और सर्टिफाइड को किसान के पास पहुंचाना है, वो व्यवस्था जितना बढ़िया काम करना चाहिए शायद वो काम नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं अब गैप है, इसलिए समस्या है। ये एक बात है, क्योंकि अल्टीमेटली किसान को चाहिए अच्छा क्वालिटी का बीज और पर्याप्त मात्रा में, ये बात हो चुका है मैं रिपीट कर रहा हूं, पर्याप्त मात्रा में चाहिए, सही समय पर चाहिए,